नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु जी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं रामधारी गुप्ता खंड एक के डिक्टेशन का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग रामधारी गुप्ता खंड एक के डिक्टेशन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको अभ्यास एक से लेकर 100 तक के सभी एक्सरसाइज क्रम वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको क्रम वाइज एक्सरसाइज मिल जाएंगे और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपका पंचुएशन भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। डिक्टेशन लिखने के बाद उसको रीडिंग करिएगा, रीडिंग करने के बाद मैटर को ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच कराइएगा और देखिएगा कि आपकी कितनी मिस्टेक आ रही, कहाँ पर किस टाइप की मिस्टेक आ रही है, उसमें सुधार करिएगा। इसमें जो आउटलाइन दिख रही है दोस्तों, वो आपको ऋषि प्रणाली में है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने आउटलाइन आपको आप प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारा ही आउटलाइन प्रयोग करें, हो सकता है आप हमारे से बेहतर बनाते हों, तो आप अपनी आउटलाइन का प्रयोग करिए जो आप आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा, जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं, ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का सामना हो सके। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब असाधारण उद्यम हैं, किंतु हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही हैं। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर गांव में गरीबी है और घर घर में जात पात है। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है और ये वे महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है, मैं जानती हूँ कि हम में क्षमता है, केवल प्रश्न है करने का, और मैं आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। आदमी के चंद्रमा पर पहुँचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अंधविश्वास या संदेह वृत्ति। इस बाधा को हटाना होगा। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति, जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए।
जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है तो दोनों को लाभ पहुंचा है। सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मद्य निषेध के संबंध में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके संबंध में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं। इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ठोस और विशेष बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह आवश्यक है कि हम मद्यपान ना करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो, उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक तरह से कर नहीं सकता, और यह शराब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। इसीलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज़ का ज्ञान देना है, किसी चीज़ को उन्हें सिखलाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे, और इसीलिए नशाबंदी का होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी किया गया। यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिंदू धर्म के वेद तथा शास्त्रों को देखें, ईसाइयों की बाइबिल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें, तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि आदमी शराब पिए। हर स्थान पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने, चाहे वे लोकमान्य तिलक हों या महात्मा गांधी जी हों, जो कि इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रसर थे, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा इंसान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि शराबबंदी को जहां जहां भी ढील दी गई है, वहां पर देखने से पता चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है। सभापति महोदय, शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी वह बहुत बुरी सिद्ध होती है। जहाँ पर शराबबंदी खुल गई है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शराबबंदी लागू नहीं है, वहाँ पर दिन दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने तीन परिस्थितियां हैं। नक्सलवादी किसान विद्रोह, देश के अनेक भागों में अकाल की काली छाया और आंदोलनों की बढ़ती हुई लहर। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। इसका मूल कारण क्या रहा?
कारण केवल एक रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार अब तक 55 वर्ष के अंदर भी नहीं किए जा सके, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष में वे कर दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए हम इस क्षेत्र में अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संग्राम के जमाने में सबसे आकर्षक नारा हिंदुस्तान के करोड़ों मानवों को, किसानों को दिया गया था, यानी जमीन उनको दी जाए जिनके हाथ जमीन जोतते हैं। लेकिन वह राष्ट्रीय आदर्श आज तक भी चरितार्थ नहीं किया जा सका है। एक तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन पड़ी है, जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 11 करोड़ एकड़ से कम नहीं है। इन जमीनों का उपयोग ना होने के कारण से आज किसानों की समस्या हमारे लिए एक महान विभीषिका का प्रश्न बन गई है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। पहले एक बार डिक्टेशन को लिखेंगे, एक बार में छोड़ता है, दो बार, तीन बार, चार बार लिखेंगे, जरूर लिख लेंगे, ठीक है। डिक्टेशन को लिखेंगे, उसके बाद उसको रीडिंग करेंगे। रीडिंग करते समय जहाँ भी आपको पढ़ने में दिक्कत हो उसको अंडरलाइन करिए और देखिए पीडीएफ से कि कौन सा शब्द हमने लिखा जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, उसको सुधार करिए, जरूर पढ़ लेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आई डी है stdforeststenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।